नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme GT 2 5G versus OnePlus Nord CE 2 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो GT 2 5G में 6.41 इंच जबकि Nord CE 2 5G में 6.32 इंच की लेंथ मिलती है जो कि GT 2 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो GT 2 5G में 2.98 इंच जबकि Nord CE 2 5G में 2.88 इंच की विड्थ मिलती है जो कि GT 2 5G से कम है। बात करें थिकनेस की तो GT 2 5G में 0.34 इंच जबकि Nord CE 2 5G में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो GT 2 5G में 194.5 ग्राम्स जबकि Nord CE 2 5G में 173 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो GT 2 5G में AMOLED जबकि Nord CE 2 5G में Fluid AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो GT 2 5G में 6.62 इंचेस जबकि Nord CE 2 5G में 6.43 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080 by 2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो GT 2 5G में 85.69% जबकि Nord CE 2 5G में 84.91% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो GT 2 5G में 398 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Nord CE 2 5G में 409 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो GT 2 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Nord CE 2 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में तारांकन मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो GT 2 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Nord CE 2 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो GT 2 5G में Adreno 660 जबकि Nord CE 2 5G में Mali-G 68MC4 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो GT 2 5G में Qualcomm Snapdragon 888 और Nord CE 2 5G में MediaTek Dimensity 900MT 6877 मिलता है। बात करें RAM की तो GT 2 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 8GB 12GB की RAM मिलती है जबकि Nord CE 2 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 6GB 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो GT 2 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Nord CE 2 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 128GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो GT 2 5G में नहीं है जबकि Nord CE 2 5G में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो GT 2 5G में Android V12 जबकि Nord CE 2 5G में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी GT 2 5G में 5000 mAh जबकि Nord CE 2 5G में 4500 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो
GT25G में 3 कलर्स जबकि NordCE25G में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो GT25G में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 34,999 रुपीस, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 38,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें NordCE25G की तो उसमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 23,999 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 24,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Realme GT25G में 8 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें OnePlus NordCE25G की तो उसमें 8 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में NordCE25G आगे है, मेन कैमरा में NordCE25G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में GT25G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें एप्पल आईफोन 12 है, दूसरा सैमसंग गैलेक्सी S20 FE है, तीसरा एप्पल आईफोन 12 मिनी है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें वीवो X60 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।